Hi guys, this is Raju Sir from a spoken English Rana channel. Welcome to all of you, आप सबका स्वागत है. Guys, मेरा नाम है राजू सर. आज का हमारा टॉपिक है यू जो शैल बी टू या विल बी टू, यानी शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग. आज हम जानेंगे शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग कहाँ होता है. गाइज, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. आपने शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग कहाँ होता है. इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा रहने पर होता है. शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा रहने पर होता है. जैसे अमन स्पोकन सीखने वाला रहेगा, गा लगा हुआ है फ्यूचर टेंस से, और फ्यूचर टेंस में क्रिया है सीखना, और क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है. तो जब फ्यूचर टेंस में क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा रहता है, वहीं पर शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होता. यहाँ पर गा लगा हुआ है फ्यूचर टेंस से, क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा. इस संसार की कोई भी क्रिया हो, यदि उसके अंत में ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा होगा, उस क्रिया का अनुवाद ट्रांसलेशन हम शैल बी टू या विल बी टू से बनाएंगे. स्ट्रक्चर शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस शैल बी टू या विल बी टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. यानी क्रिया के अंत में जब ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल बी टू या विल बी टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, उसके बाद वी वन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. फॉर नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के लिए, यदि वाक्य में नहीं लग जाएगा तो शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर ये होगा. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. यानी वाक्य में नहीं लग जाएगा, वाक्य नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी टू, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रश्नवाचक वाक्य के दो टाइप हैं. जब शुरू में क्या लगा रहेगा तो शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर ये होगा. शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. यानी शुरू में क्या लगा होगा तो सबसे पहले शैल या विल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी टू, उसके बाद वी वन क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. इफ नेगेटिव हो तो शुरू में क्या होगा नहीं लग जाएगा तो शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर ये होता है. शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, किससे, किन्हें, किसको, यदि ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होंगे क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, तो शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर ये होता है. क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. इफ नेगेटिव हो तो बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां होगा नहीं लग जाएगा तो शैल बी टू या विल बी टू का स्ट्रक्चर ये होगा. क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. यानी जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां होगा नहीं लगा होगा तो सबसे पहले वो आ जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, वो सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी टू, उसके बाद वी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. किसके साथ शैल बी टू लगता है और किसके साथ विल बी टू लगता है. एक मैंने नोट लिखा है, आई और वी के साथ शैल बी टू लगता है तथा सभी कर्ता के साथ विल बी टू लगता है.
आई और वी के साथ, सिर्फ दो के साथ शैल बी टू, और इस संसार में जितने भी करता है सभी के साथ विल बी टू लगता है। एग्जाम्पल है अमन अस्पोकन सीखने वाला रहेगा, सीखना क्रिया है, ने वाला रहेगा लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू से, इनका ट्रांसलेशन बनेगा। अस्पोकन कौन सीखने वाला रहेगा? अमन, अमन का अमन, अमन के साथ विल बी टू, विल बी टू। अमन क्या करने वाला रहेगा? सीखने वाला रहेगा, सीखना का लॉर्न। क्या सीखने वाला रहेगा? अस्पोकन। अमन विल बी टू लर्न अस्पोकन। गाइस विल बी टू या विल बी टू पर कुछ वाक्यों का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं वहां के बच्चों को स्पोकन सिखाने वाला रहूंगा, सिखाने वाला रहूंगा। सिखाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाला रहूंगा लगा हुआ है, और जब क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा, ने वाले रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा रहता है, वहीं पर शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होता है। ने वाला रहूंगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। वहां के बच्चों को स्पोकन कौन सिखाने वाला रहेगा? मैं, आई, मैं का आई, आई के साथ शैल बी टू। मैं क्या करने वाला रहूंगा? सिखाने वाला रहूंगा। सिखाना का टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना। किसको सिखाने वाला रहूंगा? वहां के बच्चों को, बच्चों का, चिल्ड्रेन। कहां के बच्चों का? वहां के का ऑफ, वहां का देयर। क्या सिखाने वाला रहूंगा? स्पोकन। आई शैल बी टू टीच द चिल्ड्रेन ऑफ देयर स्पोकन। अमन उस स्कूल में पढ़ने वाला रहेगा, अमन उस स्कूल में पढ़ने वाला रहेगा। पढ़ना क्रिया है, ने वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। उस स्कूल में कौन पढ़ने वाला रहेगा? अमन, अमन, अमन के साथ विल बी टू। अमन क्या करने वाला रहेगा? पढ़ने वाला रहेगा, पढ़ना का रीड का। हाँ, उस स्कूल में, मे का इन होता है, उसका डायट होता है, और स्कूल का स्कूल। अमन विल बी टू रीड इन डैट स्कूल। मोहन का छोटा भाई आपके पास आने को रहेगा, मोहन का छोटा भाई आपके पास आने को रहेगा। आना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने को रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। आपके पास कौन आने को रहेगा? मोहन का छोटा भाई, मोहन का मोहन, का बेस्ट ऑफ इस, छोटा का यंगर, भाई का ब्रदर। यंगर का मतलब होता है छोटा, रिलेशन में। भाई का मतलब होता है ब्रदर। इनके साथ विल बी टू, आई और वी के साथ, केवल दो के साथ शैल बी टू, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी टू। इनके साथ विल बी टू। मोहन का छोटा भाई क्या करने को रहेगा? आने को रहेगा। आना का कम, कहां आने को रहेगा? आपके पास, आपके पास का टू यू। मोहन्स यंगर ब्रदर विल बी टू कम टू यू। आयांस अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलने वाला रहेगा। आयांस अपने मित्रों के साथ शतरंज खेलने वाला रहेगा। खेलना क्रिया है,
ने वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अपने मित्रों के साथ शतरंज कौन खेलने वाला रहेगा? आयांस। आयांस के साथ विल बी टू। आयांस क्या करने वाला रहेगा? खेलने वाला रहेगा, खेलना का प्ले। क्या खेलने वाला रहेगा? शतरंज, शतरंज का चेस। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ। आयांस एक लड़का है और एक लड़का का अपना अपनी अपने एज, मित्रों का फ्रेंड्स। आयांस विल बी टू प्ले चेस विथ हिज फ्रेंड्स। अमन कल एक गिटार खरीदने वाला रहेगा। खरीदना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। कल एक गिटार कौन खरीदने वाला रहेगा? अमन। अमन के साथ विल बी टू। अमन के साथ विल बी टू। अमन क्या करने वाला रहेगा? खरीदने वाला रहेगा। खरीदना का बाय। क्या खरीदने वाला रहेगा? एक गिटार, एक का अ, गिटार का गिटार। कब? कल, आने वाला कल है ना, टुमारो। अमन विल बी टू बाय अ गिटार टुमारो। तुम अंग्रेजी में प्रियांशु से बात करने वाले रहोगे। बात करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाले रहोगे लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में प्रियांशु से बात करने वाला कौन रहा रहेगा? तुम। तुम का यू, यू के साथ विल बी टू। तुम क्या करने वाला रहोगे? बात करने वाले रहोगे। बात करना का टॉक, और बात करने में टू का प्रयोग होता है, जिससे हम बात करते हैं उसके पहले टू का प्रयोग होता है। किससे? प्रियांशु से। प्रियांशु, यू विल बी टू टॉक टू प्रियांशु। किसमें? इंग्लिश में। मे का इन और इंग्लिश का इंग्लिश। You will be to talk to Priyansu in English. वह अपने जीवन में एक महान शिक्षक बनने वाला रहेगा। बनना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है, shall be to या will be to का प्रयोग होगा। अपने जीवन में एक महान शिक्षक कौन बनने वाला रहेगा? वह का ही के साथ will be to। वो क्या करने वाला रहेगा? बनने वाला रहेगा। बनना का बी। क्या बनने वाला रहेगा? एक महान शिक्षक। एक का अ, महान का ग्रेट और शिक्षा का टीचर। कहां? अपने जीवन में। मे का इन, एक का अपना अपने अपने ही और जीवन का लाइफ। He will be to a great teacher. He will be to be a great teacher in his life. आप लोग वहां खेलने के लिए नहीं जाने को रहेंगे। आप लोग वहां खेलने के लिए नहीं जाने को रहेंगे। जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने को रहेंगे लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। वहां खेलने के लिए कौन नहीं जाने को रहेंगे? आप लोग। आप लोग का यू, यू के साथ विल बी टू। नेगेटिव है तो नॉट के बाद टू। He will not be to
क्या करने को नहीं रहेंगे जाने को जाना का गो ई विल नॉट बी टू गो क्या करने के लिए खेलने के लिए नहीं है तो टू खेलना का प्ले कहां वहां वहां का बेयर ई विल नॉट बी टू गो टू प्ले बेयर अनामिका अपनी सहेलियों के साथ आज मंदिर जाने वाली रहेगी अनामिका अपनी सहेलियों के साथ आज मंदिर जाने वाली रहेगी जाना क्रिया है ने वाली रहेगी लगा हुआ है Shall be to या will be to का प्रयोग होगा अपनी सहेलियों के साथ आज मंदिर कौन जाने वाली रहेगी अनामिका अनामिका इनके साथ will be to अनामिका will be to अनामिका क्या करने वाली रहेगी जाने वाली रहेगी जाना का गो कहां जाने वाली रहेगी मंदिर मंदिर का टेम्पल और जहां जाते हैं उसके पहले टू का प्रयोग होता है क्योंकि वहां पर डायरेक्शन शो करता है दिशा का निर्धारण होता है अनामिका विल बी टू गो टू टेम्पल किसके साथ अपनी सहेलियों के साथ के साथ का विद अनामिका एक स्त्री है एक लड़की है और एक लड़की का अपना अपनी अपने हर होता है सहेली का फ्रेंड होता है बहुत सारी सहेली है यहां पर फ्रेंड्स कब आज आज का टुडे अनामिका विल बी टू गो टू टेम्पल विद हर फ्रेंड्स टुडे शिवा अमन के साथ बीकानेर से दिल्ली आने वाला रहेगा शिवा अमन के साथ बीकानेर से दिल्ली आने वाला रहेगा आना क्रिया है क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा अमन के साथ बीकानेर से कौन आने वाला रहेगा शिवा शिवा के साथ विल बी टू शिवा क्या करने वाला रहेगा आने वाला रहेगा आना का कम कहां आने वाला रहेगा दिल्ली जहां आते हैं जाते हैं उसके पहले टू दिल्ली का दिल्ली कहां से बीकानेर से का फ्रॉम बीकानेर का बीकानेर किसके साथ अमन के साथ विथ अमन शिवा विल टू कम टू दिल्ली फ्रॉम बीकानेर विथ अमन वो लड़का फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा वो लड़का फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा फराटेदार अंग्रेजी कौन बोलने वाला रहेगा वो लड़का का डाइट बॉय इसके साथ विल बी टू क्या करने वाला रहेगा बोलने वाला रहेगा बोलना का अस्ति क्या बोलने वाला रहेगा फराटेदार इंग्लिश फराटेदार का फ्लुएंट और इंग्लिश का इंग्लिश डाइट बॉय विल बी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वह आदमी अपने जीवन में अमीर नहीं बनने वाला रहेगा बनना क्रिया है क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा अपने जीवन में अमीर कौन नहीं बनने वाला रहेगा वह आदमी वह का डैड आदमी का मैन इसके साथ विल बी टू लेकिन नेगेटिव है तो नॉट के बाद हम बी टू लगाएंगे
वह आदमी क्या करने वाला नहीं रहेगा, बनने वाला नहीं रहेगा, बनना का भी क्या बनने वाला नहीं रहेगा, अमीर, अमीर का रिच का अपने जीवन में, मैं का इन, वह आदमी एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का अपना अपने अपने ही जीवन का लाइफ, दैट मैन विल नॉट बी टू बी रिच इन हिज लाइफ। आयांस आपको अधिक समझाने को नहीं रहेगा, आयांस आपको अधिक समझाने को नहीं रहेगा। समझाना क्रिया है, नेको रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा, आपको अत्यधिक कौन समझाने का रहेगा, आयांस, आयांस का आयांस इनके साथ विल बी टू नेगेटिव है तो नॉट के बाद हम बी टू लगाएंगे। आयांस क्या नहीं करने को रहेगा, समझाने को नहीं रहेगा, समझाना का एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, या कंप्रिहेंड का भी आप यूज कर सकते हैं, किसको, आपको, आपको का यू और बहुत का अलॉट, आयांस विल नॉट बी टू बी एक्सप्लेन यू अलॉट। पूजा अंग्रेजी में अनुवाद नहीं सीखने को रहेगी, सीखना क्रिया है, नेको रहेगी लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में अनुवाद कौन है सीखने को रहेगी, पूजा, पूजा के साथ विल बी टू नेगेटिव है तो नॉट के बाद बी टू, सीखना का लर्न, लर्न माने सीखना, क्या अनुवाद, अनुवाद का ट्रांसलेशंस किसमें, इंग्लिश में, मैं का इन और इंग्लिश का इंग्लिश। पूजा विल नॉट बी लर्न, पूजा विल नॉट बी टू लर्न ट्रांसलेशंस इन इंग्लिश। लड़के अपने शिक्षक के सामने कुछ बोलने को नहीं रहेंगे, बोलना क्रिया है, क्रिया के अंत में नेको रहेंगे लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अपने शिक्षक के सामने कुछ कौन ही बोलने को रहेंगे, लड़के, लड़के का द बॉयज इनके साथ विल बी टू नेगेटिव है तो नॉट के बाद हम बी टू लगाएंगे। लड़के क्या नहीं करने को रहेंगे, बोलने को, बोलना का और स्पीक क्या, कुछ, कुछ का समथिंग, द बॉयज विल नॉट बी टू स्पीक समथिंग किसके सामने, अपने शिक्षक के सामने, के सामने का बिफोर, लड़के बहुत सारे हैं और बहुत सारा का अपना देयर और शिक्षक का टीचर, द बॉयज विल नॉट बी टू स्पीक समथिंग बिफोर देयर टीचर। वो लड़का आपको कुछ बताने वाला नहीं रहेगा, बताना क्रिया है, क्रिया के अंत में ले वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। आपको कुछ कौन ही बताने वाला रहेगा, वो लड़का का डायरेक्ट बॉय इसके साथ विल बी टू नेगेटिव है तो नॉट के बाद बी टू,
बताना का टेल किसको आपको आपको का यू क्या कुछ कुछ का समथिंग डेट वाई विल नॉट बी टू टेल यू समथिंग क्या आप अपने बच्चों को आने वाले समय में स्पोकन सिखाने वाले रहेंगे सिखाने वाले रहेंगे सिखाना क्रिया है और क्रिया के अंत में ने वाले रहेंगे लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा अपने बच्चों को आने वाले समय में अस्पोकन कौन सिखाने वाले रहेंगे आप आपका यू यू के साथ विल बी टू क्या है तो विल पहले आ जाएगा उसके बाद बी टू यदि शुरू में क्या होगा तो शैल या विल पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता कौन सा कर्ता यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ विल बी टू क्या है तो विल पहले आ जाएगा उसके बाद बी टू आप क्या करने वाले रहेंगे सिखाने वाले रहेंगे सिखाना का टीच किसको सिखाने वाले रहेंगे अपने बच्चों को यू का अपना अपने अपने योर होता है और बच्चों का चिल्ड्रेन क्या सिखाने वाले रहेंगे आप अपने बच्चों को स्पोकन स्पोकन का स्पोकन कब आने वाले समय में मे का इन आने वाले का कमिंग और समय का टाइम विल यू टीच योर चिल्ड्रेन स्पोकन इन कमिंग टाइम विल यू बी टू टीच योर चिल्ड्रेन स्पोकन इन कमिंग टाइम क्या मोहन अपने पूरे परिवार के साथ गांव जाने को रहेगा क्या मोहन अपने पूरे परिवार के साथ गांव जाने को रहेगा जाना क्रिया है ने को रहेगा लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा अपने पूरे परिवार के साथ गांव कौन जाने को रहेगा मोहन मोहन का मोहन मोहन के साथ विल बी टू क्या है तो विल पहले आ जाएगा उसके बाद बी टू मोहन क्या करने को रहेगा जाने को जाना का गो कहां जाने को गांव गांव का टू विलेज किसके साथ अपने पूरे परिवार के साथ के साथ का विद मोहन एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का अपना अपने अपने हीज और पूरे का हुल परिवार का फैमिली विल मोहन बी टू गो टू विलेज विद हिज होल फैमिली क्या इस बस्ती के अधिकांश लड़के आने वाले समय में क्या इस बस्ती के अधिकांश लड़के आने वाले समय में अमीर व्यक्ति बनने को रहेंगे क्या इस बस्ती के अधिकांश लड़के आने वाले समय में अमीर व्यक्ति बनने को रहेंगे बनना क्रिया है नेको रहेंगे लगा हुआ है शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा आने वाले समय में अमीर व्यक्ति कौन बनने को रहेंगे इस बस्ती के अधिकांश लड़के अधिकांश का मोस्ट लड़के का बॉयज कहां के अधिकांश लड़के इस बस्ती के का ऑफ इस का दिस होता है और बस्ती का कॉलोनी यहां पर सब्जेक्ट करता क्या है अधिकांश लड़के इनके साथ विल बी टू लगेगा क्या है तो विल पहले उसके बाद हम बी टू अधिकांश लड़के क्या करने वाले रहेंगे बनने वाले रहेंगे बनना का बी क्या बनने वाले रहेंगे अमीर व्यक्ति अमीर का रिच व्यक्ति का पर्सन यहां पर बहुत सारे लड़के हैं ना तो पर्सन्स कब आने वाले समय में मे का इन आने वाले का कमिंग समय का टाइम
will most wise of this colony be to be rich persons in coming time? क्या हमारे गांव के लोग वहां पहुंचने को तैयार रहेंगे? पहुंचना क्रिया है, नेको रहेंगे लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। वहां पहुंचने को कौन रहेंगे? हमारे गांव के लोग, लोग का द पीपुल कहां के? हमारे गांव के का ऑफ हमारे का आवर गांव का विलेज, यहां पर पीपुल सब्जेक्ट है, विल बी टू क्या है तो विल पर आ जाएगा, उसके बाद बी टू। क्या क्या करने को रहेंगे? पहुंचने को रहेंगे। पहुंचना का रिच कहां? वहां, वहां का देयर। विल द पीपल ऑफ आवर विलेज बी टू बी रिच देयर? क्या आयांस अपने साथियों के साथ उस समय शिकार खेलने वाला रहेगा? क्या आयांश अपने साथियों के साथ उस समय शिकार खेलने वाला रहेगा? खेलना क्रिया है, शिकार खेलना क्रिया है, शिकार खेलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। इस संसार का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों न हो, यदि क्रिया के अंत में ने वाला रहेगा, ने वाली रहेगी, ने वाले रहेंगे, या नेको रहेगा, नेको रहेगी, नेको रहेंगे लगा रहेगा, तो उसका हम ट्रांसलेशन अनुवाद शैल बी टू या विल बी टू से बनाएंगे। अपने साथियों के साथ उस समय शिकार खेलने वाला कौन रहेगा? आयांस, आयांस का आयांस, आयांस के साथ विल बी टू क्या है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद बी टू। आयांस क्या करने वाला रहेगा? शिकार खेलने वाला रहेगा, शिकार खेलना का हंट। किसके साथ? अपने साथियों के साथ। के साथ का विथ, आयांस एक लड़का है और एक लड़का का अपना अपनी अपने ही साथियों का कंपेनियन, बहुत सारे साथी हैं कंपेनियंस। कब? उस समय का डैट टाइम। We ayans be to hunt with his companions that time. तुम अपने जीवन में क्या बनने वाले रहोगे? बनना क्रिया है और क्रिया के अंत में ने वाले रहोगे लगा हुआ है, shall be to या will be to का प्रयोग होगा। अपने जीवन में कौन क्या बनने वाला रहेगा? तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है, लेकिन अंदर क्या लगा हुआ है? जब सब्जेक्ट के बाद करता के बाद अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो उनको सबसे पहले लाते हैं। अंदर है क्या? इनका व्हाट? तुम का यू के साथ विल बी टू, उसके बाद तुम का यू, उसके बाद बी टू। क्या करने वाले रहोगे? बनने वाले रहोगे। बनना का बी कहां? अपने जीवन में। मे का इन और यू का अपना अपनी अपने योर जीवन का लाइफ। व्हाट विल यू बी टू बी इन योर लाइफ? वह कब तक एक अधिकारी बनने को रहेगा? बनना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने को रहेगा लगा हुआ है, शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अंदर है कब तक? कब तक का हाउ लॉन्ग। वह का ही के साथ विल बी, वह का ही, उसके बाद बी टू। क्या करने वाला रहेगा? बनने वाला रहेगा। बनना का बी क्या बनने वाला रहेगा? एक अधिकारी, एक का अ
अधिकारी का ऑफिसर, ऑफिसर का प्रोनंसिएशन वोवेल साउंड से हो रहा है, एक का एन हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल ही बी टू बी एन ऑफिसर? वह लड़का क्यों आपको नापसंद करने वाला रहेगा? वह लड़का क्यों आपको नापसंद करने वाला रहेगा? नापसंद करना क्रिया है, ने वाला रहेगा, ने वाला रहेगा लगा हुआ है। शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। आपको ना पसंद करने वाला कौन रहेगा? वह लड़का सब्जेक्ट है और अंदर लगा हुआ है क्यों, सबसे पहले आ जाएगा क्यों का वाई। सब्जेक्ट क्या है? वो लड़का विल बी टू, केवल विल, उसके बाद डेट बॉय, उसके बाद बी टू, क्या करने वाला रहेगा? नापसंद, नापसंद का डिसलाइक किसको? आपको, आपको का यू। Why will that boy be to be dislike you? अमन कैसे आप लोगों को परेशान करने वाला रहेगा? अमन कैसे आप लोगों को परेशान करने वाला रहेगा? परेशान करना क्रिया है, ने वाला रहेगा लगा हुआ है। शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अंदर है कैसे, हाउ, कौन रहेगा? अमन, अमन के साथ विल बी टू, केवल विल, अमन का अमन, उसके बाद बी टू, क्या करने वाला है? परेशान, परेशान का टीज किसको? आप लोगों को, आप लोगों का यू। हाउ विल अमन बी टू टीज यू? टीज का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। वह कब तक अपने बच्चों को तैयार करने वाली रहेगी? तैयार करने वाली रहेगी, तैयार करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाली रहेगी लगा हुआ है। शैल बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अपने बच्चों को कौन तैयार करने वाली रहेगी? वह सब्जेक्ट है, लेकिन अंदर है कब तक। सबसे पहले हाउ लॉन्ग, वह का सी के साथ विल बी टू, केवल विल, उसके बाद वह का सी, उसके बाद बी टू, वो क्या करने वाली रहेगी? तैयार करने वाली। तैयार करना का बर्निश, तैयार करना का बर्निश किसको? अपने बच्चों को। सी का अपना, अपनी, अपने हर, और बच्चों का चिल्ड्रेन। हाउ लॉन्ग विल सी बी टू बर्निश हर चिल्ड्रेन? मोहन के बड़े भाई किसको दंडित करने वाले रहेंगे? मोहन के बड़े भाई किसको दंडित करने वाले रहेंगे? दंडित करना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने वाले रहेंगे लगा हुआ है। सेल्बिया, सेल्बी टू या विल बी टू का प्रयोग होगा। अंदर है किसको, किसको का हुम, किसको का इंग्लिश हुम। सब्जेक्ट क्या है? मोहन के बड़े भाई, विल बी टू रहेगा, केवल विल, मोहन का मोहन, के का एपोस्ट्रोफी एस, बड़े का इल्डर, रिलेशनशिप में बड़ा का इल्डर, भाई का ब्रदर, उसके बाद बी टू, क्या करने वाले? दंडित, दंडित का पनिश। हुम विल मोहन्स एल्डर ब्रदर बी टू
पनिश। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाइए, और आपके मन में जो भी प्रश्न है बेफिक्र होकर हमें कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके इसे हर ग्रुप में, हर कॉर्नर में इसे सेंड कीजिए, ताकि भारत के हर छोटे छोटे गांव में, हर कोने में, हर बस्ती में जाए और वहां के बच्चे इसका लाभ उठा सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।